हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL 2020-23 के CBT 2 एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, CBT 1 एग्जामिनेशंस का आंसर की रिलीज हो गया है और आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपका स्कोर 60 से 80 के बीच में है तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, आपका रिजल्ट बन सकता है। लेकिन रिजल्ट बनना सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 के मार्क्स के बीच में मार्क्स होना ये डिसाइड नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपका कैटेगरीज भी डिसाइड करेगा, कैटेगरीज से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स रहेगा तो ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर 60 से 80 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं फिलहाल, और आपको CBT 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि CBT 2 एग्जामिनेशंस के लिए आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। और अगर रिजल्ट निकलते हैं, फाइनल रिजल्ट, और उसमें आपका लिस्ट में नाम रहता है, तो फिर आपके लिए बहुत ही कम समय बचेगा। इसलिए CBT 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं स्टार्टिंग में ही जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था DFCCIL का, उसी वक्त मैंने डिटेल में सिलेबस को भी बताया था, CBT 1 के और CBT 2 के दोनों के सिलेबस को। साथ ही साथ CBT 1 एग्जामिनेशंस के लिए मैंने एक बैच को भी लॉन्च किया था ऑनलाइन कोर्स में, जो कि आप लोग जानते हैं एसके ट्यूटोरियल का ऑफिशियल ऐप भी है जिसपे आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीबीटी 1 वाले बैच में टोटल जो है 105 स्टूडेंट ने इनरोल किया था। तो ये है ऐप का लोगो बेसिकली, और इस पे टोटल जो है 105 स्टूडेंट ने एडमिशंस लिया था इस कोर्स में, और जिसमें से 78 का जो स्कोर है वो 60 से 80 के बीच में है। तो मान के चल सकते हैं कि 78 में से एटलीस्ट 70 स्टूडेंट तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे रिजल्ट जब रिलीज होगा। तो CBT 1 एग्जामिनेशंस में इतना स्टूडेंट का रिजल्ट बनने वाला है जो कि हमारे एसकेट रियल के ऑनलाइन CBT 1 वाले बैच में इनरोल्ड थे। अब बात करते हैं CBT 2 एग्जामिनेशंस के लिए जो है अलग बैच में बना रहा हूँ। इस बैच में जो स्टूडेंट इनरोल नहीं किए थे पहले, वो लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। जो लोग पहले से इनरोल्ड थे CBT 1 वाले बैच में, वो लोगों को उसी फी में बेसिकली CBT 2 वाला बैच भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो नए कैंडिडेट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी अगर चाहते हैं CBT 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करने के लिए वो भी अच्छे तरह से, तो आप हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां से डाउनलोड करने के बाद आप हमारे CBT 2 एग्जामिनेशंस का जो DFCCIL का बैच है उसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर 2023 के बीच में, 10 सितंबर के बीच में 2023 के बीच, इस बीच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल 90% का फी में डिस्काउंट मिलेगा। कोड यूज करेंगे कूपन कोड SKT90, तो ये बेसिकली आपको ऐप पर ही कोड दिख जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ब्रांच। कितने ऑल ब्रांच वाले? सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं CBT 1 वाले, CBT 2 वाले बैच के लिए, सभी ब्रांच वालों के लिए है स्पेशली, और सभी का फी जो है सेम ही है सभी बैच वालों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। CBT 1 का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है ऐसा मुझे लगता है, और अगले साल और भी अच्छा बेहतर होने का कोशिश रहेगा हम लोगों का। लेकिन CBT 2 के लिए अभी जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं, शायद आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो और मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, आप लोगों के प्रिपरेशन में हेल्प हो सके एसके ट्यूटोरियल चैनल की तरफ से, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक नजर डाल लेते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके ऊपर। लेकिन आप लोगों के सहूलियत के लिए, अगर आप चाहते हैं इस बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो आप लोगों के सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी को सिर्फ फॉलो करिएगा, उस लिंक से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये जो डेट है वो 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक ही आप 90% डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके बाद जो फी है एज यूजुअल वो देना होगा, तब आप लोग इस बैच में इनरोल हो पाएंगे। तो CBT 2 एग्जामिनेशंस तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपके लिए अच्छा खासा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इसको मिस आप अपने हाथ से नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी CBT 1 को क्वालिफाई करके भीड़ से आप लोग बाहर निकल चुके हैं। अब रियल जो चैलेंज है, रियल जो क्वालिफाइंग होगा, वो आपका CBT 2 डिसाइड करेगा, यही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आपको ऐड करेगा, तो इसी का मैच जुटता है। CBT 1 तो स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन था, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग इसके जो
ऑफिशियल सिलेबस है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने बताया था। तो कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं एक नजर हम लोग डाल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पोस्ट वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं CBD2 के लिए। वहां पर आपको बैच में एक ही फॉर्मेट मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बैच में एडमिशन लेंगे आप उस बैच में अंदर जाएंगे तो आपको ब्रांच वाइज भी कोर्स मतलब मिल जाएगा। इसके बाद आगे अगर पढ़ूं यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए अलग अलग है। 120 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी का ब्रांच वाइज अंदर में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस वाले वीडियोस में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ जितना भी ब्रांच है आप किसी भी ब्रांच से हो, CBT1 इंजीनियर, CBT2 इंजीनियर का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही इस मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी ब्रांच वाले जो है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है ना। टोटल जो है यहाँ पर 9 पोस्ट के लिए 9 वैकेंसीज है, 9 डिपार्टमेंट में 9 जो है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इसमें आप लोग स्टार्ट हो रहा है ये बेसिकली बैच जो है 10 तारीख तक आप लोग एडमिशन ले लीजिए जल्द से जल्द, इतना जल्दी जल्दी हो सके। इसका बैच जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 12th ऑफ सेप्टेम्बर से, कब से 12th ऑफ सेप्टेम्बर से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो 10 सेप्टेम्बर तक एडमिशन रहेंगे फी वाले ऑफर में, और इसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं, बस यही होगा कि फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा तब, अगर आप 10 सितंबर के बाद वीडियोस को देख रहे हैं या उसके बाद आप लोग करेंगे प्रिपरेशन तो या बैच में ज्वाइन करेंगे तो। लेकिन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 12th ऑफ सितंबर से, क्योंकि CBD2 एग्जाम्स का भी डेट रिलीज हो जाएगा एग्जैक्टली बहुत जल्द ही, तो हम लोग उस डेट को देखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा चीजें, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा, और अच्छे तरह से बेस्ट वे में स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे तो CBD2 एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर आपको फिल्टर्ड स्टूडेंट आए हुए हैं, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट सबसे आपको अब कॉम्पिटिशन होने वाला है, इसलिए सही स्ट्रेटेजी सही डायरेक्शंस में आपको करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ चांसेस अच्छा बन सकता है। चलिए एक नजर थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन को। देखिए ऑलवेज मैं बार बार बताता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों चीजों को आप रखिए अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है। ये दोनों चीजें आपके पास रहेगा तो आपका जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो क्लियरली आपको दिखेगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। इस वजह से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको रखना चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो ये हर चीजें तो एसके ट्यूटोरियल ऐप पे आपको अवेलेबल है ही, प्लस आप लोग नेट वगैरह पे चेक कर सकते हैं, अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा सारी चीजें डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ऐप पे अगर आप इनरोल करते हैं तो हर एक चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, प्रॉपर गाइडेंस कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या रहेगा सिलेबस, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या रहे, क्या क्या पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, मतलब हर एक तरह से आपको मैं हर एक चीजों को जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है हेल्प करने का कोशिश करूंगा, वो आपको हर एक चीजें इस कोर्स में आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वेलकम है आप सभी दोस्तों का, सभी लोग यहाँ पर आइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए इसमें CBD2 एग्जामिनेशंस के लिए। तो रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।